अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर तैयबा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 54। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर, यूनिट नंबर 6, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। इट्स नेम इज़ अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी। ठीक है, टाइटल क्या है? अ फिट एंड हेल्दी लाइफ, एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी क्या होती है। ठीक है, उसमें ऐसे कौन सी हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि हम एक अच्छी और सेहतमंद लाइफ गुजार सकें। ठीक है, आप लोग इधर देख रहे हो कि इधर कुछ बॉयज़ हैं, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं और जो है उन्होंने हाथ में फुटबॉल पकड़ा हुआ है। इट मींस के हमें सेहतमंद रहने के लिए हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। ठीक है, अक्सर आजकल क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल्स में गेम्स खेलते रहते हैं, इससे उनकी आई साइट भी वीक होती है और उनको मसल्स का भी इशू हो जाता है। ठीक है, और एक जगह बैठने से जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इधर दिखाया हुआ है कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, हमें क्रिकेट खेल लेनी चाहिए, फुटबॉल खेल लेना चाहिए, हॉकी, बैडमिंटन, ठीक है, स्क्वैश, जो भी आपका जो है आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग जो है रीडिंग स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि रीडिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद हम लोग कंसोनेंट क्लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आएगा एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद हमारा ओरल इंटरेक्शन, ओरल एक्टिविटी आएगी। उसके बाद हम लोग कॉमन इन्फ्लेक्शंस, एंडिंग्स एंड कंपाउंड वर्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स थोड़े से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है जी, हमारा प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन को पढ़ेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा। उसके बाद हम लोग नैरेटिव पैराग्राफ राइट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंपल पैराग्राफ आएगा हमारा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेज आगे करें, 55 खोलें बच्चों। 55 पेज के ऊपर देखें, लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू गेस द एक्शन वर्ब्स इन दैम। अब पिक्चर्स के ऊपर देखें, ठीक है, अब देखें कि वो क्या हो रहा है, क्योंकि पिक्चर्स में लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। पहले पिक्चर में ज़रा देखें, दो बॉयज़ हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल, के फिज़िकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, एक छोटी सी बच्ची है और वो हैंड वॉश कर रही है। ठीक है, वॉशिंग हर हैंड्स, ताकि वो साफ़ रहे, उसके हाथ गंदे ना हो, ताकि वो जो भी चीज़ खाए पिए साफ़ सुथरी उसके अंदर पेट में जाए। ठीक है, वो बीमार ना हो, हेल्दी रहे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है कि वो बच्चा जो है वो खाना खा रहा है। ठीक है, खाना खा रहा है चम्मच के साथ। तो ये हमें दिखाया हुआ है कि वो उसने प्रॉपर जो है वो पहले हैंड वॉश किए थे और फिर उसके बाद उसने जो है वो खाना खा रहा है चम्मच के साथ। ठीक है, तो ये सब पिक्चर्स शो करवा रही हैं कि हमें जो है अब सेहतमंद रहने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमें खेलना, ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, हमें वक्त पे खाना खाना चाहिए। ठीक है, हमें जो है हाथ धोने चाहिए, हमें अपने आप को क्लीन और हेल्दी रखना है। ठीक है, आगे बच्चों देखें, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ अ गुड स्लीप इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अच्छा सोना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अगर अपनी नींद पूरी करेंगे, ठीक है, वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे, तो हम लोग सारा दिन जो है वो एक्टिव रहेंगे। ठीक है, हर काम अच्छे से कर सकेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू ईट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या खाते हैं। तो बच्चों हमें जंक फूड्स नहीं खाने, हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए दूध पीना है, ठीक है, मीट खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। ठीक है, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। आप अपने आप को किस तरह फिट एंड हेल्दी रखते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपने खुद से सोचना है कि आप अपने आप को किस तरह से हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ क्लीन। अब आप अपने आप को क्लीन रखने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ये भी आपने खुद से सोचना है। ठीक है, लाइक आप हैंड वॉश करोगे प्रॉपरली, ठीक है, वक्त पर खाना खाओगे हेल्दी रहने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इसके आंसर्स आप लोगों ने खुद से सोचने हैं। ठीक है।